अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हुआ सेमीफाइनल जीत लिया और ऐसे वैसे नहीं 203 रनों से जीता। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 272 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम को 69 रनों पर बुक कर दिया। लेकिन इस पूरे मैच में इंडिया की जीत की खुशी एक तरफ, क्रिकेट में पाकिस्तान की ये दुर्गति करने की खुशी एक तरफ, लेकिन आखिरी ओवर में शुभमन गिल के सेंचुरी पूरी करने की खुशी दूसरी तरफ। शुभमन गिल इंडियन ओपनर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इनको वन डाउन पर उतारा गया था जहां इन्होंने 102 रनों की पारी खेली और बाद में मैन ऑफ द मैच चुने गए। लेकिन शुभमन की सेंचुरी जिस तरह आखिरी ओवर में पूरी हुई, मतलब हम अपने आप को नहीं रोक सके आपको ये कहानी सुनाने की। अगर आपने वो आखिरी ओवर देखा होता तो यकीनन हाथ के नाखून ख़त्म हो जाते तो आप पैर के नाखून चबाने शुरू कर देते। तो बात शुरू होती है 50वें ओवर से। पहली गेंद स्ट्राइक पर थे शिवम मावी, जो टीम इंडिया के सबसे धाकड़ बॉलर्स में से एक हैं, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे शुभमन गिल, जो उस समय 98 रन पर खेल रहे थे। शिवम ने इसके पिछले ही ओवर में 2 चौके मारे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि वो आसानी से शुभमन को स्ट्राइक दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद मूसा ने गेंद फेंकी, शिवम 10 रन पर खेल रहे थे और उन्होंने कैच उठा दिया, कैच पकड़ लिया गया, शिवम आउट हो गए। इंडिया का स्कोर हो गया 265 पर 8। शिवम के आउट होने के बाद आए शिवा सिंह, ओवर की दूसरी गेंद शिवा को फेंकी गई, उन्होंने बल्ला छुआया और दौड़ पड़े, लेकिन गेंद पहुंच गई सीधे पाकिस्तानी फील्डर के हाथ में। शिवा क्रीज से अब भी उतनी ही दूर थे जितनी दूर दिल्ली से लाहौर है, लेकिन पाकिस्तानी फील्डिंग के क्या कहने, रनआउट का पूरा मौका था, फिर भी उन्होंने ऐसा थ्रो मारा जो विकेट पर नहीं लगा, जबकि वहाँ पर साफ दिख रहा था कि अगर फील्डर दौड़ कर भी विकेट पर मारता जाके तब भी शिवा आउट हो सकते थे। खैर, अपना खिलाड़ी बच गया, एक रन मिला और टीम का स्कोर हो गया 266। तीसरी गेंद स्ट्राइक पर आए शुभमन, खेल रहे थे 98 रन पर, अपनी सेंचुरी पूरी करनी थी, टीम के स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना था। इसी चक्कर में शुभमन ने ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद टंग गई, लेकिन भाई साहब कैच कौन पकड़ता, गेंद टंगी थी एक्स्ट्रा कवर और बॉलर के बीच में, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए और गेंद दोनों के बीच में गिरी। अपने दोस्त ने एक रन पूरा किया, रन हो गए 99, लेकिन शुभमन नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके थे। चौथी गेंद शिवा सिंह स्ट्राइक पर थे, उम्मीद की जा रही थी जैसे पिछली गेंद पर स्ट्राइक दे दी थी वैसे इस गेंद पर दे देंगे, लेकिन इस बार मूसा ने यॉर्कर फेंकी और शिवा उसे सूंघ तक नहीं पाए, LBW आउट हो गए, टीम का स्कोर हो गया 267 रन पर 9 विकेट। शिवा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ईशान पोरेल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर शुभमन खड़े थे 99 रन बनाकर और ये 5वीं गेंद थी, मतलब अगर अब शुभमन को स्ट्राइक नहीं मिलती तो उनकी सेंचुरी गई थी। खैर, ईशान को गेंद फेंकी गई, ईशान ने गेंद खेली, बल्ला छुआया, दौड़ खड़े हुए, गेंद सीधे पाकिस्तानी फील्डर के हाथ में गई, लेकिन इस बार भी वही हुआ, पाकिस्तानी फील्डर लद्दड़ साबित हुए, उन्होंने थ्रो फेंका, विकेट पर नहीं लगा, दोस्त अपना क्रीज तक पहुंच गया, एक रन मिला और स्कोर हो गया 268 रन। अब इंडिया की इनिंग की आखिरी गेंद, शुभमन को सेंचुरी पूरी करने के लिए चाहिए था एक रन और टीम को मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचने के लिए चाहिए थे 6 रन, और यहीं पर शुभमन ने दिल जीत लिया। उन्होंने सिर्फ एक रन के लिए शॉट नहीं मारा बल्कि शॉट मारा 6 के लिए, लेकिन वो लॉन्ग ऑफ पर टंग गया, कैच उठा, लेकिन पाकिस्तानी फील्डर्स का एक बार फिर शुक्रिया कहिए, ये कैच ड्रॉप कर दिया गया। शुभमन ने दौड़कर 2 रन लिए, उनका टोटल हुआ 101, सेंचुरी पूरी हुई, और तभी एक और चीज़ पता चली, अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया था, टीम को इस गेंद पर 3 रन मिले और इंडिया का स्कोर हो गया 271 रन। 7वीं गेंद फ्री हिट थी, शुभमन स्ट्राइक पर थे, उन्होंने फिर एक बार वैसा ही शॉट खेला, गेंद एक बार फिर लॉन्ग ऑफ पर टंग गई, इस बार उनका कैच पकड़ लिया गया, लेकिन चूंकि फ्री हिट थी इसलिए वो आउट नहीं हुए, उन्होंने दौड़कर एक रन पूरा किया और इंडिया का टोटल हो गया 272 पर 9, और इस तरह शुभमन की सेंचुरी पूरी हुई और इंडिया ने पाकिस्तान को 273 का टारगेट दिया जिसे वो दूर दूर तक नहीं छू पाए। तो दोस्तों, 30 जनवरी की सुबह जब न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल हो रहा था तब इंडिया में सुबह का वक्त था, ढेर सारे लोग सो रहे थे, आप में से काफ़ी लोगों ने सेमीफाइनल मिस किया होगा। आखिरी ओवर का हाल, शुभमन की सेंचुरी का हाल तो हमने आपको बता दिया, इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की लद्दड़ फील्डिंग देखने का मन हो तो मैच की हाइलाइट्स देख लीजिएगा। ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए द लल्लन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शुक्रिया।